प्रेजेंटेड बाय हिमालय प्योर हर्ब्स। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय प्योर हर्ब्स अश्वगंधा, जो बना है 100% अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट से। अश्वगंधा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और स्ट्रेस से निपटने में मदद करता है। महेश 55 साल के हैं, पटना के रहने वाले हैं। कुछ समय पहले उन्हें यूरिन से जुड़ी कुछ समस्याएं महसूस होने लगी। उन्हें बार बार पेशाब जाने की जरूरत महसूस होती थी, यहां तक कि रात में भी कई बार उनकी नींद टूट जाती थी। पर जब वो पेशाब करने जाते तो उन्हें यूरिन पास करने में बहुत दिक्कत होती, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता। अब समय के साथ ये परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। महेश ने डॉक्टर को दिखाया, उनका अल्ट्रासाउंड हुआ। अब अल्ट्रासाउंड से पता चला कि उनका प्रोस्टेट ग्लैंड यानी ग्रंथि बहुत बढ़ गई है। अब डॉक्टर उन्हें सर्जरी करवाने की सलाह दे रहे हैं, पर वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते। महेश चाहते हैं कि हम और डॉक्टर से इस मुद्दे पर बात करें। एक उम्र के बाद प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाना पुरुषों में होने वाली एक बहुत ही आम समस्या है, पर क्या सर्जरी ही इसका इकलौता उपाय है? ये जानते हैं डॉक्टर से, पर उससे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रोस्टेट आखिर होता क्या है और इसके बढ़ने से किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। सुनिए। प्रोस्टेट ग्लैंड एक अखरोट की साइज की ग्लैंड होती है, जो मूत्राशय जिसको हम ब्लैडर कहते हैं उसके मुंह पे होती है। इसका काम होता है हमारा एग्जिस्टेंस, मतलब हम और आप इसी ग्लैंड की वजह से हैं, क्योंकि इस ग्लैंड से जो सिक्रीशंस, जो पदार्थ बनते हैं, वो शुक्राणुओं की हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। पर वंस आप इस उम्र से बड़े हो जाते हैं, जब आपको बच्चों की ज़रूरत नहीं होती, तो इस ग्लैंड का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, बट ये वीर्य की अमाउंट में कंट्रीब्यूट करती है। पर इसकी साइज जो होती है वो एज के बाद बढ़ती है। अब आप सोचिए, जो अखरोट की साइज की ग्लैंड जो ब्लैडर के मुंह पर है, वो अगर बढ़ेगी तो वो पेशाब के फ्लो को अफेक्ट करेगी, क्योंकि जो यूरिन या पेशाब आता है वो ब्लैडर में जमा होता है, और ब्लैडर के मुंह से होती हुई एक नली होती है यूरिथ्रा, जो महिलाओं में छोटी होती हैं और पुरुषों में अराउंड 20 सेंटीमीटर की होती है। उस नली के थ्रू यूरिन जाता है। अब इस ब्लैडर और नली के बीच में ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। एक उम्र के बाद, खासकर 50 साल की उम्र के बाद, ये बढ़ता ही है। अब ये बढ़ता है तो बढ़ने का मतलब नहीं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्योंकि अगर 10 पुरुषों में सपोज 9 में बढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं 9 में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है 10 में से 3 या 4 पुरुषों में। बहुत ज़्यादा बड़ा होके ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो आपको स्ट्रेन करना पड़ेगा, आप प्रेशर ज़्यादा लगाते हैं यूरिन को खाली करने के, और कई बार यूरिन पूरा खाली नहीं हो पाता तो आपको लगता है पेशाब रह गई हो। कभी कभी यूरिन बार बार भी करते हैं, रात को उठना पड़ता है। तो ये जो लक्षण है वो प्रोस्टेट के बढ़ने से आ सकते हैं। पर दो चीज़ें हैं कि हर बढ़ा हुआ प्रोस्टेट प्रॉब्लम नहीं करता, और दूसरा ये कि बिना प्रोस्टेट के बढ़े हुए भी आपको ये लक्षण मिल सकते हैं। खासकर मैंने देखा है कई डॉक्टरों को जो अल्ट्रासाउंड में देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी हुई है। नॉर्मल साइज होती है अराउंड 18 से 20 ग्राम। अब 20 ग्राम से सपोज 40 ग्राम हो गई अल्ट्रासाउंड में, तो आपको एडवाइस करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई है, आप इसका ऑपरेशन करवा लीजिए। आप बिल्कुल मत करवाइए, क्योंकि प्रोस्टेट का ऑपरेशन ज़रूरत तभी पड़ती है जब आपके सिम्टम्स, आपके लक्षण इतने ज़्यादा हैं कि आपकी रूटीन को, आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर रहे हैं, या प्रोस्टेट इतना बढ़ गया है कि इसकी वजह से आपको और लक्षण हो रहे हैं, जैसे पेशाब में बार बार इन्फेक्शन है, या ब्लड आ रहा है, या उसकी वजह से गुर्दे खराब हो रहे हैं, तब हम एडवाइस करते हैं कि नहीं, इसकी सर्जरी होनी चाहिए। अदरवाइज सर्जरी होना या ना होना मरीज या आपका डिसीजन है। तो सर्जरी के पहले भी हम कई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं जिससे सिम्टम्स को काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। जैसे किसी पुरुष को रात में बार बार यूरिन आ रही है तो उसे हम एडवाइस करते हैं कि रात को पानी कम पी के सोएं, या
कई लोगों की धारणा है कि जब यूरिन लगे आपको जाना चाहिए करने, ये भी एक गलत धारणा है। अगर ब्लैडर की वजह से यूरिन बार बार जा रहे हैं तो आप उस अर्ज को रोक भी सकते हैं, ब्लैडर को ट्रेन भी कर सकते हैं। तो बहुत से लक्षण आप बिना दवाओं के ट्रीट कर सकते हैं, पर उससे नहीं होते तो दवाएं भी काफ़ी अच्छी हैं प्रोस्टेट के लिए, जो दवाएं प्रोस्टेट की साइज़ को कम कर सके और लक्षणों को भी कम कर सके। तो इस दो तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिससे काफ़ी रिलीफ मिलता है, इसको रेगुलर खाया जा सकता है सालों साल। फिर लास्ट में आती है सर्जरी। प्रोस्टेट क्या होता है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, पर अगर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया है तो परेशान होने की कोई बात नहीं। डॉक्टर अनिल के मुताबिक ऐसा होना बहुत ही आम है। अब जरूरी नहीं कि प्रोस्टेट बढ़ने पर कोई हेल्थ रिस्क हो ही, पर हाँ सही सलाह सही समय पर लेना जरूरी है। लक्षण दिखने पर डॉक्टर को दिखाएं, सलाह लेने के बाद तय करें कि आप सर्जरी करवाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि दवाइयों से भी इसका इलाज किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, जानते हैं मलाशय के कैंसर के बारे में। आपने अक्सर ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रेन कैंसर इनका जिक्र तो सुना ही होगा, पर एक कैंसर है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, इसलिए इसके बारे में लोगों को जानकारी भी कम है। मलाशय का कैंसर, अंग्रेजी में इसे रेक्टल कैंसर कहते हैं। अब इसके बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर जगदीश शिंदे ने। रेक्टम इंटेस्टाइन का सबसे निचला वाला हिस्सा होता है, इसमें स्टूल स्टोर किया जाता है, हिंदी में इसे मलाशय भी बोलते हैं। अगर इस एरिया में कोई भी गांठ बन जाती है तो उसे रेक्टल कैंसर बोलते हैं। रेक्टल कैंसर होने के पीछे बहुत कारण हैं। पहला कारण है परिवार में पाई जाने वाली कुछ बीमारियां, जैसे लिंच सिंड्रोम। अगर आप डाइट में फाइबर कम लेते हैं, सब्जियां और फल कम खाते हैं, तो आपको रेक्टल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। सिगरेट, बीड़ी, शराब, इनके सेवन से भी रेक्टल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ और कारण भी हैं, जैसे बैठे बैठे पूरा दिन बिता देना, ज्यादा चलना फिरना नहीं। रेक्टम कैंसर की प्रिवेंशन के लिए सबसे जरूरी है स्क्रीनिंग। 50 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों को साल में एक बार रेक्टम कैंसर की स्क्रीनिंग जरूर करवानी चाहिए। उसी के साथ अगर पेशेंट के परिवार में कोई बीमारी रहती है या फैमिली हिस्ट्री है बीमारियों की, तो उनको भी स्क्रीनिंग करवाना जरूरी है। रेक्टम कैंसर का इलाज तीन तरह से किया जाता है, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी और कीमोथेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में पेशेंट को एक्सरे और गामा रेज की मदद से ट्रीटमेंट दिया जाता है, एक मशीन से ये ट्रीटमेंट किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, जिसमें मरीज को हर दिन 10 से 15 मिनट का रेडिएशन दिया जाता है। सप्ताह में 5 बार ट्रीटमेंट होता है, 5-6 सप्ताह तक ये ट्रीटमेंट चलता है। दूसरा ट्रीटमेंट है सर्जरी, जिसमें सर्जरी करके गांठ को निकाल दिया जाता है। और तीसरा होता है कीमोथेरेपी, इसमें कैंसर की दवाइयाँ पेशेंट्स को टैबलेट या फिर इंजेक्शन के रूप में दी जाती हैं। अब कौन सा ट्रीटमेंट कब करना है ये कैंसर के स्टेज के आधार पर डिसाइड किया जाता है, समझे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। जाने अगर पेट खराब है, कब्ज और डायरिया जैसी समस्याएं हैं, तो सेब आपकी मदद कैसे कर सकता है। ठंड का मौसम आते ही कई लोगों को पेट खराब होने की समस्या शुरू हो जाती है, कब्ज और डायरिया भी हो जाता है। अब ऐसे में एक फल है जो आपकी काफी मदद कर सकता है, कौन सा है वो फल, सेब। डाइटिशियन पूजा मखीजा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कब्ज और डायरिया जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सेब खाने की सलाह दे रही हैं। देखिए, सेब में दो तरह के फाइबर होते हैं, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। सेब में 64% तक इनसॉल्युबल फाइबर होता है और 34% सॉल्युबल फाइबर। इन दोनों में क्या फर्क होता है, बहुत ही सिंपल। सॉल्युबल फाइबर वो फाइबर है जो पानी में घुल सकता है, इनसॉल्युबल फाइबर पानी में नहीं घुलता। सेब के पल्प में सॉल्युबल फाइबर होता है और स्किन में इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर के कारण हाजमा धीरे होता है और स्टूल में एक जेल जैसा टेक्सचर बन जाता है, इसलिए अगर डायरिया है तो सेब का पल्प खाएं बिना उसकी स्किन के। स्किन में इनसॉल्युबल फाइबर ज्यादा होता है, इसलिए स्टूल को आसानी से पास होने में मदद करता है। कब्ज के दौरान ये ज्यादा फायदेमंद है, तो डायरिया हो या फिर कब्ज, दोनों ही केस में आप सेब खा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें
तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।